वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दक्षिण दिशा को क्यों माना जाता है अशुभ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह जरूर सुना होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना सही नहीं होता है, या फिर उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर कभी नहीं लेटना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हुई है और यह अपनी धुरी पर घूम रही है। बता दें कि इसकी धुरी के उत्तर दक्षिण दो छोर होते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अतः मनुष्य जब दक्षिण की ओर पैर करके सोता है तो वह पृथ्वी की धुरी के समांतर हो जाता है, जिसके कारण धुरी के चुंबकीय प्रभाव से उसका रक्त प्रभाव प्रभावित होता है, जिसके कारण सिर दर्द, हाथ पैर की ऐंठन, कमर दर्द, शरीर का कांपना जैसे कई दोष आते जाते रहते हैं। और साथ ही दक्षिण दिशा फेफड़ों की गति को अत्यंत मंद भी कर देती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के पैर दक्षिण दिशा की ओर कर दिए जाते हैं, ताकि उसके शरीर का रहा सहा जीवांश भी समाप्त हो जाए। ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना या फिर मुख करके बैठना आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। भूलकर भी अपने घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर ना रखें। खास करके वीरवार के दिन दक्षिण दिशा को हानिकारक माना जाता है। बताते चले कि वीरवार की प्रधानता के कारण ही उस दिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और भी प्रबल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह सुबह किस वस्तु के दर्शन हमें करने चाहिए जो हमारे लिए शुभ होते हैं? कहते हैं सुबह सुबह उठने के बाद अगर आप कलश, कूड़ा या अर्थी का दर्शन करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। विद्वानों ने यह भी बात सही कही है कि शुभ समय पर प्रारंभ किया गया कार्य आधा वैसे ही सफल हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको आगे और भी जानकारी देंगे, उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इसी के साथ आगे बात करते हैं हम दान पुण्य के बारे में। दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि दान पुण्य आखिर है क्या? तो दोस्तों, वहीं शास्त्रों की माने तो शुभ कर्म, तीर्थ, पूजा, पुण्य कर्म जो है वह किसी दान पुण्य से कम नहीं है। यही नहीं, परोपकार भी दान माना जाता है, जो इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, आइए आगे आपको बताएंगे हम सिंदूर क्यों लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर भरने का विधान है। यूं तो फैशन के साथ सिंदूर का चलन गायब होता जा रहा है, वास्तव में देखा जाए तो लाल सिंदूर का अपना शारीरिक प्रभाव होता है। यह ना तो सिर्फ स्त्री की कामना पर नियंत्रण रखता है, बल्कि उसके स्वभाव में उत्तेजना भी नहीं आने देता। यही नहीं, यह रक्तचाप की बीमारियों से भी बचाता है। तो दोस्तों, आगे है अक्षत क्या है, इसका क्या महत्व होता है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। आपने अक्सर शुभ कार्य में हल्दी से रंगे अक्षत का प्रयोग जरूर से किया होगा। दरअसल चावल के साथ इनका वैज्ञानिक विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है, उनसे धमनियों में प्रभावित होने वाले लाल अणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो मनुष्य को निरोग बनाते हैं और साथ ही उसे रोगों से लड़ने की अतिरिक्त शक्ति भी देते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हमें दक्षिण की तरफ पैर और उत्तर की तरफ सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए और क्या है इसका वैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।